नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पर। ठीक है, तो पूर्व में जो हमारी क्लास हुई थी, हमने अपने आरंभिक क्लास में विषयवार को बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या शामिल है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। दूसरा, हम लोगों ने उसके प्रथम चैप्टर में प्रवेश किया था, यानी कि इतिहास जानने के स्रोतों को हम लोग समझे थे, जाने थे कि आखिर इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, आखिर पुरातात्विक साक्ष्य का क्या महत्व है, साहित्यिक साक्ष्य का क्या महत्व है, विदेशी यात्रियों के विवरण का क्या महत्व है, साथ ही इनके डिविजन से भी हम परिचित हुए थे। अब यहाँ से हम आरंभ करते हैं IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम लेना शुरू करेंगे। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पुनः भारतीय इतिहास की तरफ देखना पड़ता है कि आखिर ये हमारे इतिहास में जो शुरुआत है, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बाद जो प्रथम चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों है या इसको क्यों रखा गया है। इसके पूर्व में भी चैप्टर है, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण काल से जो संबोधित किया जाता है उसके बारे में भी जानना समझना होता है, लेकिन उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है और सीधा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे आ गए हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में शुमार सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर कई बार संबोधित किया गया या किताबों में लिखा हुआ आप पाएंगे। यह सभ्यता अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमें लगता है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। भारत का उत्तर पश्चिम एरिया, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसकी आकृति प्रथमतः त्रिभुजाकार दिखाई देती है। कैसी? त्रिभुजाकार। लेकिन इस सभ्यता के मिलने से पूर्व, यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की है, इस सभ्यता का ये जब मिली नहीं थी, उसके पूर्व हम भारतीयों की अवधारणा थी कि वैदिक काल ही भारत का सबसे प्राचीन इतिहास है। लेकिन 1826 में एक टीले की खोज हुई चार्ल्स मैसन के द्वारा। कब? 1826 में। कई बार पूछता भी है, पिटी का सवाल भी रहा है कि हड़प्पा टीले की सबसे पहले खोज किसने की और कब की। तो 1826 चार्ल्स मैसन, यानी कि चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले की खोज की, लेकिन उसके महत्व को, उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाए। जब वो नहीं समझ पाए, जब नहीं जान पाए ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को, तो वो सभ्यता उसी की उसी तरह दबी रह गई। लेकिन एक घटना होती है 1856 में। हम जानते हैं कि 1856 में वो दौर था जब अंग्रेज भारत में रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे थे और जो उनकी शोषणकारी जो नीति थी वो गांव-गांव तक पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने रेलवे का सहारा लिया था और रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। उसी क्रम में हम पाते हैं क्या कि 1856 में लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। उस समय इसका विस्तार का जो कार्य था वो अंग्रेजी सरकार कर रही थी, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जुड़े हुए थे, जेम्स विलियम, और दूसरे बर्टन बंधो। इन लोगों ने देखा और उसे टीले को समझा और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझ लिया कि ये बहुत ही पुरानी कोई सभ्यता है, कोई सिविलाइजेशन है जो जमीन में दबी हुई है या धस गई है, समय के साथ विलुप्त हो गई है, अब उसे प्रकाश में लाया जाए, अब उसे सामने उकेरा जाए। इसी क्रम में हम पाते हैं कि इस सभ्यता का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जिस नगर की खोज की गई उसका नाम है हड़प्पा, इसीलिए इसे विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता भी कहकर संबोधित किया गया। और ये खोज कब हुई? 1921 में। यानी कि पता तो 26 में ही लगा, 1826 में, फिर 56 में आया, महत्व समझ में आया, और नगर की खोज होते होते 1921-22 हो गया, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की फिर खोज हुई, सबसे पहली खोज हड़प्पा की। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है आपको कि इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग किया गया है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को मैंने आपको बताया कि क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसको भी जरा समझ लें कि सिंधु नदी के पास जो पहला स्थल है वो मिल रहा है
इसलिए इसे सिंधु सभ्यता, चूंकि पहले की जितनी भी सभ्यताएं आप देखेंगे, मिस्र की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसे मिलेंगे। कारण यह है कि मनुष्य का जनजीवन वहीं चल सकता है जहां जल हो, यानी उसकी प्राथमिक आवश्यकता में क्या है, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। जहां शुद्ध हवा नहीं होगा, शुद्ध पानी नहीं होगा, वहां क्या होगा, मनुष्य अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आवश्यक चीज है। तो हम पाते हैं कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हम भारत ही नहीं वरन विश्व के अन्य देशों की राजधानियां या उनके बड़े नगरों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे वो भी किसी न किसी नदी के किनारे हैं। कारण यह है कि उतनी बड़ी जनसंख्या की जल आपूर्ति कैसे होगी, वो नदी होगी तभी तो होगी। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के बगल में यमुना है, आप पाते ही हैं। उसी तरीके से हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहने का तात्पर्य तब हो जाता है जब सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे भी सिंधु घाटी या इनके पुरास्थल पाए जाते हैं, यानी कि सिंधु में और सिंधु की सहायक नदियां जो हैं उनके किनारे भी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक, अब जरा सा ध्यान देंगे, आ जाएंगे पीपीटी पे, कि इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये जो तीनों मतलब है, इन तीनों ही नामों से अब आप परिचित हो चुके हैं। फिर मैंने एक अन्य नाम आपको और बताया था और मैंने कहा था कि सिंधु व सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको, एक और नाम है सिंधु और सरस्वती नदी के इर्द गिर्द होने के कारण। आज सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी से ही दो अन्य नदियों का तादात्म्य जोड़ा जाता है, जैसे घग्घर और हक्कारा, ये दो नदियां हैं, ये कहीं ना कहीं सिंधु सरस्वती नदी को ही पूर्ति करती हुई नजर दिखाई देंगी या आपको आएंगी इतिहास में। तो ध्यान रखिएगा, हक्कारा और सरस्वती, साथ ही हक्कारा सरस्वती के साथ एक अन्य नाम, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कि इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पर पड़ा, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से चला। यानी कि ये बात पहले ही कह चुके हैं कि 1921 में सबसे पहले जिस पुरास्थल की खोज की गई वो कौन सा था, हड़प्पा। इसीलिए ये क्या कहलाती है, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता अपने विशिष्ट जनजीवन के लिए, नगर नियोजन के लिए और उचित जल निकासी के लिए पूरे विश्व में फेमस है। इस तरीके की सभ्यता उस काल विशेष में अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलती है और एक विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि का उद्वाचन आज तक नहीं किया जा सका है। यानी यह सभ्यता आज भी ऐतिहासिक विषय नहीं है बल्कि आद्य ऐतिहासिक विषय बनी हुई है। मैंने बताया था कि इतिहास का अपना जो डिवीजन है वो तीन काल में है, तो आद्य इतिहास के अंतर्गत मैंने कहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता, साथ ही वैदिक सभ्यता को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जबकि ऐतिहासिक काल मैंने कहा था कि छठी शताब्दी से लेकर जब अब तक के इतिहास को क्या करते हैं, हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जबकि हम पूर्व में देख चुके हैं कि इतिहास का डिवीजन तीन भागों में किया गया है, उसमें ये आद्य इतिहास का विषय है, यानी कि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसको जरा नोट कर लीजिएगा कहीं कि ये मात्र विश्व की पूछता भी है, बार बार आया भी है और आगे आने की संभावना है, यानी कि प्रोएबल क्वेश्चन के रूप में भी है। ठीक है, फिर यहां लिखा है कि यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन, मैंने अभी कहा उचित जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, अब देखिए सर जॉन मार्शल ने 19 में अपना अभियान शुरू किया और इनका साथ दो भारतीय व्यक्ति, एक दयाराम साहनी और एक व्यक्ति हैं राखल दास बनर्जी, इन दो व्यक्तियों के सहयोग से सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार हम पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिला, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, यहीं पर हड़प्पा की खोज की गई, या हड़प्पा सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, हड़प्पा नगर दिखाई देता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े नगर के रूप में है, इसीलिए इसके टीले सबसे पहले प्रकाश में भी आए होंगे, ध्यान रखिएगा। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ, तो हम देखते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता रही, तो उसकी जो मूल मूल चीजें हैं, जैसे अभी भी थोड़ा सा एक जगह नोट कर लीजिएगा इन कुछ पॉइंटों को, जैसे
मैं लिखा देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ध्यान रखिएगा, यह अपने आकृति में कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति है इसका, जो बार बार पूछता है। फिर इस सभ्यता का विस्तार हम पाते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीन जगहों पे दिखाई देगा। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सर्वाधिक पुरास्थल पाए गए हैं वो कहां से मिले हैं, भारत में, गुजरात से। जो अधिकांश पुरास्थल हैं वो गुजरात से मिले हैं। दूसरी चीज, किसी भी सभ्यता को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि कितने क्षेत्रों में फैली है। तीन देश में तो फैली है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, लेकिन इसके साथ 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी। साथ ही यहां पर एक अन्य चीज हम पाएंगे कि यह सभ्यता जैसे किसी भी नगर अवस्थिति जो भी होता उसकी एक सामान्य चौहद्दी होती है, उसकी एक अंतिम सीमा होती है, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में हम भारत की कहते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कुल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, अब फिर हम देखते हैं कि पूरब में वालांगू मठ, या पश्चिम की तरफ हम तो राजहर क्रिक की बात करते हैं। उसी तरीके से आखिर इस सभ्यता का भी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी एक विशेष अंतिम बिंदु रहा होगा, वो क्या था। तो हम पाते हैं कि यह उत्तर में देखें तो मांडा, ये मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और मांडा चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। ये इसका अंतिम बिंदु के रूप में दिखाई देता है, सबसे उत्तरी कोना। वहीं जब हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में पाते हैं कि दैमाबाद, दैमाबाद ये कहां है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, और किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। एक नदी है प्रवरा नदी, ये गोदावरी की सहायक है, उसी के किनारे अवस्थित है। वहीं जब हम पूरब में आते हैं यानी पूर्वी हिस्सा को देखते हैं तो मेरठ के पास एक जगह है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है। और जब से जब हम पूरब में जाते हैं, सबसे पश्चिम की तरफ, पूरब से जब पश्चिम में हम जाएंगे, यहां पे आएंगे, तो हम पाएंगे इसका जो सबसे अंतिम स्थल है सुतकांगेनडोर, सुतकांगेनडोर, ये दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अवस्थिति नामांकन से ही सवाल है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, लगभग जो टोटल अनुपात है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर और गहराई चाहिए तो नहीं, तो ध्यान रखिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से देश इस सभ्यता में शामिल होते हैं? वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। यानी कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र जो शामिल है, वहीं फैली हुई है प्रथमतः सभ्यता दिखाई देती है। अब हमने इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को भी समझ लिया कि पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जो मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे है, फिर पश्चिमी सुतकांगेनडोर जो दास्क नदी के किनारे है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर, चीन, चेनाब नदी के किनारे है, वहीं दक्षिण में दैमाबाद, हमने दैमाबाद को कहा महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पुनः अपने अन्य टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, अब मैंने कहा जब सभ्यता का नामांकन समझ लिए, सभ्यता की चौहद्दियों से हम परिचित हो गए, सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, कौन कौन देश शामिल हैं, जब उनसे परिचित हो गए तो अब ये सभ्यता चूंकि इतिहास का विषय है, तो मैंने कहा कि इतिहास बैसाखी पे बैठता है। कौन सी बैसाखी? प्रमाण की बैसाखी। तो प्रमाण की बैसाखी किस कैसे सिद्ध होगी? जब उसके साथ एक तिथि, मतलब देश काल समय, देश काल समय, तो समय का बड़ा महत्व है,
तिथि का महत्व है, तो उस तिथि का निर्धारण क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को लेकर या काल निर्धारण को लेकर काफी विवाद रहा है, क्योंकि यह विवादग्रसित विषय भी है। अब जैसे जॉन मार्शल इसके तिथि को निर्धारित करते हैं तो कहते हैं कि 3250 से 2750 होगा, वहीं जब अर्नेस्ट मैके आते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तिथि का निर्धारण 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व रहा होगा। फिर माधव स्वरूप वत्स आएंगे तो कहेंगे कि 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व रहा होगा। यानी भिन्न तरह तरह के विद्वान और भिन्न भिन्न उनके मत, यानी एक मत पे खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब संपूर्ण तर्क वितर्क किया गया, संपूर्ण तर्कणा पे कसा गया, साथ ही विज्ञान का जब सहारा लिया गया, जिसमें सी कार्बन जो पद्धति होती है, जिसके तहत क्या करते हैं, C14 के तहत हम पुरातत्वों का पता लगाते हैं, उसकी आयु का पता लगाते हैं, यानी कार्बन डेटिंग का जब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम विज्ञान का उसमें प्रयोग करने लगे, तो हमें कुछ चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी। यानी कि उसके बाद जिस तिथि का निर्धारण किया गया, यानी कि सी कार्बन या सी कार्बन पद्धति के द्वारा, रेडियो कार्बन पद्धति 14 के द्वारा जिस तिथि को सबसे पहले प्रकाश में लाया गया, वो तिथि थी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, जो कि सबसे ज्यादा मान्य है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। कितना? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो यहां लिख लेंगे सबसे जो मान्य तिथि है। देखिए, सबसे पहले जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का या उसे नाम दिया था। अब तक इसके लगभग 2000 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। ये पहली लाइन है कि कितने स्थल प्रकाश में आए हैं, 2000। अब देखिए रेडियो कार्बन वाली, तो रेडियो कार्बन यानी C14 जो पद्धति है, इसके नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। कितना? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, जो कि सर्वाधिक क्या है, मान्य है। और कहीं भी अगर पूछा जाता है इसके संबंधित या मेंस में कहीं आपको लिखना होता है तो इसी तिथि का आप सहारा लीजिए, ठीक है, और या इसी को मूल मानिए। अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में दिखाई देती है। अब बात कर रहा है अवस्था की, तो हम जानेंगे कि हड़प्पा कोई भी सभ्यता एक प्रकट होती है ना एकाएक खत्म होती है, बल्कि अपने शैशवावस्था में पहले आती है, फिर किशोरावस्था या युवावस्था का दर्शन करती है, उसके बाद वो वृद्धावस्था में जाती है। यानी कि कोई भी सभ्यता हो, कोई संस्कृति हो, वो किसके द्वारा निर्मित है? वो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। जब मनुष्य मरणशील है तो उसके द्वारा बनाई हुई चीजें कैसे इमोर्टल हो सकती है? संशय है, संदेह है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से एक सभ्यता अचानक प्रकट नहीं होती बल्कि धीरे धीरे उसके उत्थान की प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से धीरे धीरे उसके पतन की प्रक्रिया भी होती है। तो कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो एक रूप में दिखाई देती है, जो सबसे ज्यादा परिपक्व अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि सबसे ज्यादा वो उत्तम अवस्था या परिपक्व, जहां पे उस हर एक चीज उसके पास एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखाई देता है, वो काल जो है वो है 2200 से लेके 2000 ईस्वी पूर्व का काल, यानी कि ये सबसे ज्यादा परिपक्व दिखाई देती है। अब जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और चीजों का ज्ञान होगा। जैसे अब ये हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा, अभी आपको बताया कि एकाएक न व्यक्ति युवा हो जाता है, ना ही एकाएक मरणशील हो जाता है, बल्कि उसके उत्थान की एक प्रक्रिया है, उसके पतन की एक प्रक्रिया है। इसी को विद्वानों के द्वारा तीन चरणों में बांटा गया है। क्या किया गया है? तीन चरणों में बांट दिया गया है। ये जो पहला चरण है जिसको कहते हैं, तो पहला चरण कहते हैं पूर्व हड़प्पाई चरण। अब पूर्व हड़प्पाई चरण में को लगभग हम देखते हैं कि 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के मध्य रखा गया। वहीं जब परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा डेवलप दिखाई देती है, अभी तिथि कुछ और थी, यहाँ तिथि है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा वो 2200 से 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास, इसका ध्यान रखिएगा। अब उत्तर हड़प्पा, तो ये हम पा रहे हैं 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व, यानी हड़प्पा को, यानी कि संपूर्ण सभ्यता को तीन कालों में डिवाइड किया गया, कि कब हड़प्पा का पूर्व काल, यानी कि
हड़प्पा का निर्माण उस समय शुरू हुआ। कैसे? कई छोटी छोटी संस्कृतियों ने मिलकर, हम जानते हैं सभ्यता जो होती है, सभ्यता एक बड़ा नाम है, उसमें संस्कृति क्या करती है, प्रवाहित होती है, तो उसमें कई छोटी छोटी संस्कृतियां मिलकर एक बड़ी सभ्यता का निर्माण करती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि झुकर झांगर संस्कृति, सोथी संस्कृति, दैमाबाद संस्कृति, ये तमाम तरीके की संस्कृतियां, जैसे कालीबंगन संस्कृति, लोथल संस्कृति, ये क्या करेंगी, ये आपस में मिलेंगी और एक सभ्यता का निर्माण करेंगी और अपने परिपक्व अवस्था में 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व में दिखाई देंगी, यानी कि वो पूर्णतः सिंधु घाटी सभ्यता जैसा एक संपूर्ण लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र हमें, या 13 लाख वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलेगा या दिखाई देगा। ठीक है, अब कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है, इससे पहले मैं आपको परिचित करा चुका हूं पहले ही, और कुछ लोग तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं, तो ये अपना अपना मत है, इसमें ज्यादा घबराइएगा मत। सरस्वती सभ्यता भी अगर कहीं आ गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता आ गया, सिंधु सभ्यता आ गया, सिंधु घाटी की सभ्यता आ गया, मेलुहा सभ्यता आ गया, तो भी ध्यान रखिएगा सिंडोन सभ्यता आ गया नाम, तो ये सारे नाम, या कांस्यकालीन सभ्यता कहीं भी लिखा मिल गया, तो ये समझ लीजिएगा कि ये सारे नाम एक चीज यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके कई नाम है, ठीक है, जिस विद्वान को जो लगा, चूंकि यह आद्य इतिहास का विषय है या आद्य ऐतिहासिक काल का समय है, यहाँ पर अभी भी शोध हो रहा है और नवीन चीजें मिल रही हैं, उसके अनुसार इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, जो तथ्य आ रहे हैं नवीन उनको एज इट इज आत्मसात कर लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता कहा और कुछ लोग केवल सरस्वती सभ्यता कहना पसंद करते हैं, और सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्यकालीन क्यों? क्योंकि सिंधुवासी थोड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में थोड़ा रुचि लेने वाले दिखाई देते हैं, कारण उन्होंने दो धातु, एक तांबा और दूसरा टीन, इन दो धातुओं को एक साथ जोड़ दिया, एक साथ कंपाइल किया, और उसको जोड़ने के बाद एक नवीन धातु यानी कांसे का प्रयोग किया, और हम देखते हैं कि कांसे की वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए विद्वानों के द्वारा इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया। तो अब देखिए इसके कितने नाम आ गए आपके साथ सामने, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर हमने कहा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, फिर मैंने कहा कांस्यकालीन सभ्यता, यानी कि फिर मेलुहा सभ्यता की बात की जाती है, या मेलुहा का संबंध जोड़ा जाता है इसी से, या इसके लिए सिंडोन सभ्यता, जो कि यूनानियों ने सिंडोन शब्द कपास के लिए यूज किया, सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किया करते थे, इसीलिए यूनानियों के द्वारा सिंधु घाटी या सिंधु के नाम या सिंधु के पार रहने वालों के लिए, सिंधु के लिए सिंडोन, उसी के किनारे रहने वालों के लिए सिंडोन शब्द का यूज किया, और कपास के लिए एक मूल शब्द के रूप में सिंडोन शब्द आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं सिंधु से ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंडोन जो शब्द आएगा ये कपास के लिए है, और कपास का सबसे पहले उत्पादन का जो साक्ष्य मिलता है वो कहां में दिखाई देता हो, वो IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने के लिए मिलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज इत्मीनान रखिएगा कि हम सिंधु पढ़ रहे हैं तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, मतलब जो भी है वो संपूर्ण आपको दिया जाएगा। इसको अगर आप पकड़ के चल रहे हैं तो आप समझिए कि इतिहास के लिए आपको कहीं अन्यत्र आपको घूमना नहीं है, ये सारी आवश्यकता मैं यहीं आपकी पूरी कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे जब आगे हम चलेंगे तो हम पाएंगे इसके कुछ पुरास्थलों के बारे में बात किया गया है, कहा गया है कि इसके कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल हैं, क्योंकि 13 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता है तो ऐसे तो होगी नहीं, उसमें कई नगर, कई महानगर होंगे, कई राजधानियां होंगी, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कुछ विद्वान जुड़वा राजधानी के रूप में भी देखते हैं, आखिर समझेंगे कि इनके पीछे पिगट महोदय का या व्हीलर का क्या विचार है, उसको भी थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि विद्वान क्या करते हैं अभी भी इसे शोध का विषय बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें शोध जारी है, कारण ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी, जिसके बारे में हम ठीक ठीक जानते ही नहीं है, अभी हम समझे ही नहीं है, अभी उनके अवशेष जो मिल रहे हैं उसी के आधार पर हम महज कयास लगा रहे हैं, यानी विद्वान उस पर शोध कर एक विचार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब
यहाँ पर हम पा रहे हैं कि कुछ चीज दिया गया, जैसे भारत में जम्मू प्रांत में, भारत के जम्मू प्रांत में हम पाते हैं मांडा, पंजाब में रोपड़, कोटल निहंगा खान, चक 86, बाड़ा, संघोल, ये क्या है? ये पूरा स्थल है जो भारत के राज्यों में स्थित है या पाकिस्तान के राज्यों में स्थित थे या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित थे, तो उनको एक क्रम दे दिया गया है। जैसे जम्मू प्रांत में तो मांडा, उसी तरीके से पंजाब में रोपड़, कोटल निहंगा खान, चक 86, बाड़ा और संघोल, उसी तरीके से हरियाणा में तो बनवाली, मिथाथल, सिसवल, राखीगढ़ी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत हम जाएं तो इसमें दो दर्जन से अधिक पुरास्थल देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक पुरास्थल जो गंगानगर जिले में स्थित है, जिसे काली बंगन के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, वो काली बंगा कहां स्थित है? इसी गंगानगर जिले में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जब काली बंगा का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि काली बंगा में ही हमें देखने के लिए मिलेगा क्या? द्विफसली साक्ष, यानी कि दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष, जुते हुए खेत का साक्ष, ठीक है, ये काली बंगा की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रवेश करेंगे तो हम यह भी समझेंगे कि सिंधु घाटी या सिंधु निवासी 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। वो 9 फसलें कौन कौन सी हैं, उनकी सूची भी जानेंगे। फिलहाल हम अपने विषय पे यहाँ आ जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे कि भारत या भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो जम्मू जो IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पुरास्थल मिले हैं उनके बारे में जानकारी। उसी क्रम में जम्मू में जो था मांडा को समझे, पंजाब में रोपड़, कोटल निहंग खान, बाड़ा, इनके बारे में जा रहे हैं। उसी तरीके से हरियाणा के बनवाली, मिथाथल, सिसवल आदि के बारे में जानकारी हुई। अब आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, मैंने पहले ही बताया आपको कि यह आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे माने तो सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्व में स्थित स्थल जो है वो यही है। इसके पहले ही हम आपको समझा चुके हैं। अब सहारनपुर में जिले में बड़ा गांव और हुलास भी इसके प्रमुख स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अब गुजरात क्षेत्र को जब हम अध्ययन करते हैं तो मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि सर्वाधिक पुरास्थल किसी राज्य से मिले हैं तो गुजरात है, तो सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं तो इसका एक साथ अध्ययन बड़ा संभव नहीं है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि जब गुजरात के पुरास्थलों को देखते हैं तो इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। गुजरात के क्षेत्र को दो भागों में, एक कच्छ की खाड़ी और दूसरा खंभात की खाड़ी में बांटा जा सकता है। और इसमें कच्छ की खाड़ी में जो प्रमुख स्थल है वो है देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा, ठीक है। देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये कहाँ है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित स्थल है। वहीं खंभात की खाड़ी के जो स्थल है उसमें लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपाटन, भगतराव, नागेश्वर इनको या कुंतासी, मेघम इनको रखते हैं। यानी कि हम पा रहे हैं कि गुजरात को दो भागों में विभाजित कर दिया उसके पुरास्थलों को समझने के लिए, एक कच्छ की खाड़ी वाले पुरास्थल और दूसरा खंभात की खाड़ी वाले पुरास्थल। कच्छ की खाड़ी वाले जो पुरास्थल हैं उसके अंतर्गत हमने देसलपुर को ले लिया, सुरकोटदा को ले लिया, धौलावीरा को ले लिया। अब खंभात की खाड़ी वाले आए तो खंभात की खाड़ी वाले में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम और एक शिकारपुर का नाम आता है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने सुना भी होगा थाना शिकारपुर फिल्मों में, उसी तरीके से एक स्थल है शिकारपुर, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं खंभात की खाड़ी में ही गुजरात में स्थित दिखाई देता है, ठीक। यहां पर इन पुरास्थलों को राज्य के अनुसार एक सूची, एक सामान्य सूची दे दी गई है। यदि कदे आयोग द्वारा पूछा गया है कि कौन सा पुरास्थल भारत के या पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है या उसको सीधा मिलान करने के लिए दे दिया है, वहां पर ये थोड़ी आपको सहूलियत देगा, कुछ प्रमुख पुरास्थल जो थे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ने के बाद हमें एक अन्य चीज और तथ्य देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये संपूर्ण जो क्षेत्र है यानी कि ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कैसी दिखाई देती रही? त्रिभुज की आकार की, मैंने पहले ही बताया बोर्ड पे आपको कि त्रिभुजाकार आकृति की
दिखाई देती है, यानी कि त्रिभुज की आकृति में इस सभ्यता को देखा जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे जो उत्तरी स्थल है उसकी भी चर्चा किया गया है कि ये चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, ठीक है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के तट पर, जिस या गोदावरी की सहायक कहिए प्रवरा नदी, यहाँ लिख लीजिएगा प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद है, जिसकी सूची मैंने पहले ही बताई थी। फिर सबसे पश्चिमी स्थल जो है दास्क नदी के किनारे है, जो सुतकांगेंडेर है, और सबसे पूर्वी स्थल 1600 किलोमीटर दूर इससे मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। इसी को मैंने यूं आपको बताया था कि यहां हो गया मांडा, यहां हो गया दैमाबाद, यहां हो गया आलमगीरपुर, और ये हो गया सुतकांगेंडेर। इसके लिए कह रहा है कि जम्मू कश्मीर कौन सी नदी, चिनाब नदी, इसको कह रहा है हिंडन नदी, कहां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये कह रहा है महाराष्ट्र कौन, गोदावरी की सहायक नदी जो है प्रवरा, उसके किनारे। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, पुनः एक बार आप यहां समझ लीजिए, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग में आ जाएगा। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इससे नवीन चीज को लेके आगे चलते हैं। अब जो कि इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, अभी तक सभ्यता के बारे में हम समझ रहे थे कि कौन सी सभ्यता क्या है या किस तरीके की दिखाई दे रही है या सभ्यता का मूल जो अर्थ है वो किस संदर्भ में। अब सभ्यता की जो मूल विशेषता है वो पहली विशेषता मैंने कहा था नगर योजना और उसकी जो संरचना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से जो विशेषताएं अलग करती हैं उनमें पहली विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो किस तरीके का है या नगर नियोजन किस तरीके का दिखाई देता है, पहली चीज। दूसरा, नगर नियोजन में जाएंगे तो हम पाएंगे कि सड़कें बनी हुई हैं, वो भी समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई हैं। फिर जब हम इसकी अन्य विशेषताओं को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनका आर्थिक सिस्टम भी बड़ा मजबूत है, यानी कि ये आयात निर्यात तो करते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों करते हैं, यानी कि सिंधु के जो अंदर के जो क्षेत्र हैं वहां भी आपस में होता है, और साथ ही ये विदेशों से व्यापार भी करते हैं, क्योंकि इनके पास डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, जो अभी जब लोथल की हम बात करेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रमुख विशेषता है नगर योजना या उसकी जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपने आप में एक भव्य व्यवस्था, एक विश्व की जो जटिल जो चीजें हैं, जो आश्चर्यजनक चीजें हैं, उनमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर संरचना है उसको भी रखा जाता है कि आखिर उस काल खंड में कैसे लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने पके हुए मकान बनाए, कच्चे मकान नहीं, मिट्टी के मकान नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि मकान बड़े ही सुसज्जित ढंग के बने हुए हैं, मकान में आंगन है, मकान के अंदर हम पाते हैं रसोई घर है, कुआं है जल निकासी के लिए, साथ ही स्नानागार की व्यवस्था है। तो आखिर ये क्या है, आखिर इतना सिस्टमेटिक ढंग तो एक डेवलप व्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो इतने पहले हुए, आखिर उनके पीछे कौन कौन से कारण थे या कौन सी चीजें साधन या संसाधन उपलब्ध थे या कैसे उनका उन्होंने दोहन किया, उसको भी थोड़ा समझेंगे। उसके पहले आ जाते हैं नगर योजना और संरचना पर। तो नगर योजना और संरचना पर जब हम ध्यान देंगे तो हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे नगर योजना या संरचना, कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। क्या पहली विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने क्या है, दुर्ग दिखाई देते हैं, और दुर्ग में हम पाते हैं जहां शासक वर्ग के लोग रहते हैं, और प्रत्येक नगर के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर है जहां ईंट के बने हुए मकान हैं, जहां पर सामान्य लोग रहते हैं या सामान्य लोगों का निवास स्थल है। अब जरा सा यहां समझते हैं कि मामला क्या है। देखिए, नगर संरचना की बात हो रही है,
देखिए संपूर्ण जो नगर है इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। एक जो नगर का एक भाग है ये प्रशासक वर्ग के लिए है, और नगर का जो दूसरा भाग है वो सामान्य जन के लिए है। जब नगर योजना को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला की जिक्र किया गया है कि पूर्वी टीला किसके लिए और पश्चिमी टीला किसके लिए। जब हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो हम कुछ चीजें सिमिलर पाएंगे हर एक पुरास्थल में, क्या कि जो टीले हैं जिनका विभाजन है वो कितने भागों में है। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जिनका विभाजन तीन भागों में है, और कुछ अधिकांश ऐसे पुरास्थल हैं जिनका विभाजन सिर्फ दो भागों में है। कुछ ऐसे भी पुरास्थल हैं जिनका विभाजन ही नहीं किया गया है। इनके अपने मायने हैं, यानी कि जब नगर संरचना पढ़ेंगे तो ये चीज जाकर पूरी तरीके से क्लियर होगी कि ये क्या आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखा गया है कि प्रत्येक नगर दुर्ग के बाहर एक दूसरे से उससे निम्न स्तर के शहर जहां ईंट के बने हुए मकान हैं, जहां सामान्य लोग रहते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रत्येक नगर दो भागों में क्या है, बटा हुआ है, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। एक नगर का जो भाग है वो कहीं ना कहीं शासक या प्रशासक वर्ग के लिए है, जबकि दूसरा भाग जो है जो सामान्य जन के लिए है। हालांकि सामान्य जन के लोग भी ईंट के बने हुए मकानों में रहते थे, यहाँ लिखा हुआ है कि ईंट के मकानों में सामान्य लोग रहते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो शासक या प्रशासक वर्ग है वही सिर्फ दुर्गीकृत नगर में रहता है। इसके अलावा सामान्य जन का भी जो मकान है वो ईंट का ही बना होता था। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा के नगर जाल की तरह क्या था, व्यवस्थित दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा के जो नगर हैं वो जाल पद्धति पे हैं, कुछ यूं प्रकार का दिखाई देगा, यानी कि जो रिहायशी बस्तियां हैं वो एक क्रम में सुसज्जित हैं, और वहां पे उन बस्तियों के बीच से सड़क निकाले गए हैं। सड़कों के किनारे नालियों की एक समुचित व्यवस्था है, साथ ही सड़कें एक दूसरे को संकोण पर काटते हुए नजर आती हैं। यानी कि वो जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति में इनके नगर देखे जा सकते हैं। अब यहाँ लिखा भी है कि सड़कें एक दूसरे को क्या करती हैं, संकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग क्या होते थे, स्थित होते थे। और हम देखेंगे कि एकमात्र पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का चंदहुदड़ो है जो कि दुर्गीकृत नहीं है। ये बार बार पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट लाइन कि चंदहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल मिलेंगे वो क्या है, दुर्गीकृत ही है। अब यहाँ पर विशेषता में हमने देखा, क्या विशेषता देखा, कि जो संपूर्ण नगर है दो भागों में विभाजित है, साथ ही एक भाग में सामान्य जन रहता है जबकि दूसरा भाग प्रशासक वर्ग के लिए है। फिर हमने कहा कि जो नगर है इसका जो नगर विन्यास है एक ग्रिड पद्धति पे आधारित है, यानी कि नगर एक सुव्यवस्थित ढंग में रिहायशी जो इलाके हैं उनको बसाया गया है, उनके किनारे या उनके सामने से क्या है, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़कें एक दूसरे को संकोण पे काटते हुए नजर आती हैं, यानी चौराहों का भी निर्माण देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये सड़क इधर से आई है यहाँ, तो एक चौराहा का कार्य करता हुआ आपको दिखाई देगा, ये चौराहे का एक रूप ले लेता है, यानी कि चारों तरफ से आके सड़कें जहां मिलती हैं, जो ग्रिड सिस्टम का निर्माण करते हुए या जाल पद्धति का निर्माण करते हुए देखी जा सकती हैं। अब हमने एक अपवाद भी बताया कि चंदहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर हम पाते हैं कि क्या है, दुर्गीकृत है ही नहीं, यानी कि बिना दुर्ग का है, और यही बार बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नगर कितने भागों में विभाजित थे, तो दो भागों में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, बस। अब इसके आगे हम चलते हैं तो कुछ नवीन चीजों को पाएंगे, जैसे कि घरों के जो दरवाजे थे वो कैसे खुलते थे। यानी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि घरों के दरवाजे व खिड़कियां
मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर कहां गलियों में खुला करते थे। और यहां पर एक चीज नवीन, एक पुनः अपवाद के रूप में आ जाएगी, लोथल, यानी कि लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ये डॉकयार्ड सिटी है, यहीं पर बंदरगाह मिला हुआ है जहां पर जलयान आकर क्या करते थे, रुका करते थे, इसको डॉकयार्ड सिटी भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। तो कभी पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोथल को जाना जाता है। और ये कहां है? गुजरात में। हम पाते हैं कि लोथल में जो सड़कें हैं वो मुख्य सड़क के सामने खुलती हैं, या दरवाजे जो है मुख्य सड़क पे खुलते हैं, ना कि गलियों में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल हैं वहां पे हम पाएंगे कि जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते हैं और मुख्य सड़क की तरफ दीवार रहती है और बंद रहते हैं। जबकि लोथल में हम पाते हैं क्या, जैसे हम आधुनिक समय में आज करते हैं कि जो दरवाजे होते हैं मुख्य सड़क की तरफ खोलते हैं, वहां एक लोथल ही ऐसा देखा जा सकता है। वही एक नवीन चीज कि मोहनजोदड़ो यहां से शुरू करते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें या क्या क्या मुख्य चीजें दिखाई देती हैं, खासकर नगर विन्यास को लेकर, उसको समझने का यहां से हम प्रयास करेंगे। यानी कि यहां पर हम चलेंगे मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में कुछ जानेंगे, साथ ही नगर विन्यास को समझने के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का एकदम बारीक अध्ययन करना आवश्यक है कि आखिर मोहनजोदड़ो में कौन कौन से आवासीय या रिहायशी इलाके स्थित हैं और उनसे नगर विन्यास पे क्या प्रकाश पड़ता है, उनको समझेंगे। साथ ही इसके बाद हड़प्पा को लेकर चलेंगे, साथ ही कालीबंगा पे बात करेंगे और उसके बाद अन्य पुरास्थलों की ऐसे ही चर्चा करते हुए चलेंगे। आज हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करेंगे, ठीक है, और अन्य क्लास में, ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी क्या है, अभी अपनी बात हम यहीं पे रोक देंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो बहुत ही बारीक है और बड़ा ही, मतलब न्यून स्तर पर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।